Okay, नमस्ते एवरीबॉडी, वंडरफुल टू बी बैक फॉर अनदर एचएम। एक महीना हो गया लास्ट एचएम में हम लोग मिले थे, आई थिंक इट वाज समवेयर मिडिल ऑफ अगस्त, 16th अगस्त की बात है। एक महीना निकल गया और कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा एक महीना। वेल, टाइम तो निकल रहा है, 6 months ऑलरेडी इनटू दिस ऑनलाइन मोड, एंड आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू हैव योर वीडियोस ऑफ, सो दैट थोड़ा सा स्ट्रीमिंग अच्छा हो जाएगा। वी विल हैव द वीडियोस ऑन आफ्टर सम टाइम इन द एंड, देन वी विल हैव द शेयरिंग सेशन, तब आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। अभी थोड़ा वीडियोस ऑफ रखिए एंड सो दैट स्ट्रीमिंग अच्छी हो जाए सबकी तरफ और से। सो एक महीना और निकल गया है एंड ये वायरस तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, इट्स स्टिल ऑन फुल स्टीम। सो टेक केयर, एंड थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए हैं लोग, बट आई फील दैट ब्रेवरी इज नॉट अबाउट बींग केयरलेस। सो आई एम नॉट सेइंग यू बी स्केयर्ड, बट आई एम सेइंग दैट यू बी केयरफुल अबाउट इट। सो बोलते ना कि ब्रेव पीपल व्हेन दे बिहेव विथ केयरफुलनेस, दैट इज कॉल्ड ब्रेवरी। बट जब ब्रेव लोग जो है वो केयरलेसली बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड फुलिशनेस। सो लेट अस नॉट बी फुलिश, लेट्स टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल दी हाइजीन एंड हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो हमने मेंटेन करने हैं वो मेंटेन करते हैं और आगे अपना ध्यान रखते हैं। केम टू नो दैट अ फ्यू ऑफ यू फॉट दिस फेज ऑफ योर लाइफ एंड यू फॉट एंड यू केम आउट विक्टोरियस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग बाहर निकले हैं फ्रॉम कोविड, and some of you while watching, I know some of you are watching it and some of you are still fighting it out, so all the best and wish you all the strength to overcome this phase. I think it's more of a mental phase than a physical phase, and I'm sharing from my experience because hamare yahan bhi do wickets down the and we were all first anxiety ho gaya tha, then we got the test done and fortunately the test reports came negative. So maine ye samjha ki life mein main kabhi itna positive nahi hua for something to turn out negative. क्या विडंबना है लाइफ की ना, कि आप पॉजिटिव हो रहे हो फॉर समथिंग टू बिकम नेगेटिव। सो बट दैट्स द वे इट इज, सो कीप फाइटिंग एंड आई एम श्योर ये समय भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल फीडबैक फॉर लेट्स टॉक लाइफ सीरीज। वी हैड सम ऑसम शेयरिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू हु वर देयर इन द प्रोग्राम। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया, कैन वी शेयर इन द एचएम, we'll see if we have time today to for you to share. Agar sharing hai to aap tayar rakhna, whatever time we will have fatafat sharing karenge, and good that you could connect to jo maine share kiya tha about ANM in the family matters let's talk life series mein. We spoke about the disc and some of you spoke about the egg formula which you used in family. So happy that you're holding on to these abbreviations so that aapke mann mein wo baat rahegi. And of course the second one was such a super hit, the seven pathways to developing a very strong self-image and self-esteem. So we spoke about the IA plus AA. Yaad hai kuch wo IA plus AA plus A is equal to individual performance. Bahut badhiya simple sa formula tha as to how you can actually take your performance to the next orbit. And then we had the IMPRESS formula where we said that seven simple steps to build your self-image, to create a very powerful, healthy self-image. और फिर हमने निकाला था एक कसपग, एक और हमने एब्रिविएशन निकाला था एज टू हाउ यू विल टेक एक्शंस। सो देयर वर सम सिंपल स्टेप्स एंड देयर वर सम एक्शनेबल्स, सो कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। एंड दोज ऑफ यू हु डिड नॉट और हु कुड नॉट अटेंड, वो आप लोग नहीं कर पाए, आप लोग मिस कर दिया आप लोगों ने, सो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, टॉक टू विदिशा, टॉक टू माई टीम, दे विल गिव द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन गो थ्रू दैट, बट मेक यूज ऑफ दैट। सो हियर वी आर टुडे, एंड बिफोर वी स्टार्ट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। पिछले 5-6 महीनों में बहुत फोन कॉल्स आए, नॉट दैट दीज फोन कॉल्स और दीज मैसेजेस वुड नॉट कम इन द प्रीवियस ईयर और टाइम बिफोर कोरोना, बट ये साल जो है ना बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे फोन मैसेजेस आए। एंड मुझे ना दो तरह के कॉल ज्यादातर आते हैं, एक जिसमें हम बात करते हैं वे पीपल वॉन्ट सम काउंसलिंग, पीपल वॉन्ट टू हैव सम क्लैरिटी, पीपल वॉन्ट टू शेयर देयर पेन, पीपल वॉन्ट टू गेट सम इनसाइट, सम एडवाइस फ्रॉम माई साइड। So, एक तो ये कॉल होते हैं। सो पहले भी आते थे लेकिन इस साल ये पिछले 5-6 महीने में काफी आए, ऑब्वियसली आने थे। सो दैट वाज वन कॉल। द सेकंड कैटेगरी ऑफ कॉल्स इज द कॉल्स व्हिच आई वुड नॉर्मली गेट, यू नो, व्हेन पीपल वुड जस्ट वांट टू टॉक टू मी, थिंक दे थिंक ऑफ मी, कभी ऐसा शेयर कर लेते हैं, कभी ऐसा उनको कुछ बात याद आ गई अपने बैच की एंड दे वांट टू जस्ट लिंक इट टू माय लाइफ एंड देन दे कॉल ऑन मी। इस बार भी सरप्राइजिंगली वो कॉल्स बहुत आए and these calls are all about, it's not about asking me something, it's all about sharing with me some aspects of the life where they benefited, they grew, kind of a testimonial.
एंड इट्स नॉट अ टेस्टिमोनियल जो आप बात कर रहे हो कि आपने, वो बोलते ना कि रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए और आप खाना खा रहे हो तो पहला आपने निवाला मुंह में डाला नहीं तो वेटर सामने आ गया और आपसे पूछता है सर कैसा है खाना, एंड आप चबा रहे हो और आप उसको चबाते बोल रहे हो हाँ भी अच्छा है, और मे बी आफ्टर द फूड इज ओवर द मैनेजर कम्स और द ओनर कम्स एंड ही सेज भी खाना कैसा है. सो वो कुरेद कुरेद के टेस्टिमोनियल निकालते हैं एंड देन ऑब्वियसली द आंसर इज यस वी लव द फूड एंड फूड इज ऑसम. बट इमेजिन कि एक रेस्टोरेंट ओनर को या रेस्टोरेंट के मैनेजर को एक फोन आता है 5 साल बाद कि 5 साल पहले ना आपके हमने पालक पनीर खाया था एंड इट वॉज ऑसम. इमेजिन हाउ ही वुड फील. और या एक फोन आता है बोलता है कि 10 साल पहले ना आपके हमने शाही पनीर खाया था एंड अभी तक उसका टेस्ट जबान पे है, वो ओनर तो खुशी से मर जाएगा. या इमेजिन करो कि एक फोन आता है जो कहता है कि 20 साल पहले आपका हमने वो आइसक्रीम संडे खाया था एंड इट इज वाज सो यम. तो ऐसा होता नहीं बट मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है एंड लास्ट मेनी मंथ्स सो मेनी कॉल्स फ्रॉम क्रिस्टेलियंस जिन्होंने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले. जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई हैड क्रिस्टेलियन कॉल्ड ध्रुव देसाई. I don't know if he's there right now. If he's there, you can type and say hi to everybody. So he called on me and he was from 2001 to batch. And mujhe phone karta hai, bolta hai, sir, I know it's been long time I got in touch with you. Just wanted to share how life has been with me and how the batch was very helpful when I did the batch 20 years ago. To us samay wo 17-18 saal ka tha. And then now he has become a very mature, working in a great bank, one of the multinational banks. And he says, आपको याद है वो यू नो आई वांटेड टू बी अ शायर. एंड आई सेड अच्छा अभी 20 साल पहले इसको शायर बनना था या शायर था. एंड ही इज आस्किंग मी डू यू नो एंड सरप्राइजिंगली आई न्यू. आई सेड हां आई रिमेंबर योर शायरीज. यू वुड कम विद योर ओन लिटिल शायरीज एंड यू वुड लाइक टू शेयर योर शायरीज विद एवरीबॉडी. एंड देन ही सेज यू नो आपको मालूम था मेरे ना आई हैड अ प्रॉब्लम इन वन ऑफ माय इयर्स एज अ फिजिकल प्रॉब्लम. और मैंने सीडीएस की बड़ी तैयारी करी आर्मी की एंड देन आई वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ईयर प्रॉब्लम. आपको याद है क्या. And surprisingly, मुझे वो भी याद था कि इसको एक कान की चैलेंज थी. So, some wonderful, awesome stories at how he overcame this rejection from CDS and how he handled his life well and now he wants his nephew to be taken care of and things like that. So, ऐसा ये सुन के ऐसा लगता है ना 2 किलो खून बढ़ जाता है. Such wonderful testimonials coming after 10, 15, 20 years. Another call came of Swapnil Kulkarni. I think he was with me somewhere in 2007-8 doing his engineering in Pune. और उस समय वी हैड लॉट ऑफ इवेंट्स कमिंग अप. वी हैड बॉर्न टू विन, वी हैड रोटी कपड़ा मुस्कान. एंड ही सेज आई एम वर्किंग इन दिस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हियर टुडे एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई डिड व्हाइल डूइंग इंजीनियरिंग इन क्रिसलिस, टॉकिंग टू पीपल, हैंडलिंग अ क्राउड ऑफ 3000 प्लस पीपल इन अ हॉल, यू नो गोइंग आउट एंड आस्किंग पीपल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, इट हैज हेल्प इमेंसली इन मेकिंग मी व्हाट आई हैव बिकम टुडे. एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स व्हाट व्हिच आई गॉट वाज फ्रॉम माय एक्स कलीग कॉल्ड अनुपम. And he says, सर 40 किलो कम हो गया है. अभी सुन रहे हो तो सुनो उसको. 40 कुछ लोगों के पास होता है कम करने को 40 किलो. इमेजिन एंड सम ऑफ यू आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग कि 40 किलो तो आपका खुद का वजन है. सो उसके अंदर 2 आदमी थे तो उसने एक को निकाल दिया बाहर पिछले कुछ महीनों में. एंड ही सेज आई वुड हैव नेवर थॉट अबाउट लाइफ इन अ वे व्हिच आई एम सीइंग राइट नाउ हैड आई नॉट बीन विद यू फॉर दोस फ्यू इयर्स. एंड दीज आर नॉट मोमेंट्स वेयर यू आस्क and you take a you know feedback, you ask how people are on their own, they are calling, they are thinking, and it feels so awesome to receive such calls. And I said, Anupam, this is awesome. He says, I become an entrepreneur and I get stuck many times, and the one thing which keeps me going is I always keep you there in my mind and I say, aap aur ma'am kaise handle karte ho this, agar is situation mein aap hote to aap kya karte. And he says many times I would get an answer. And I say, this is such a wonderful thing that if you have somebody in your mind whom you look up to, whether the person is capable, not capable of handling a situation, but agar aapke man mein wo insaan hai aur aapne usko samajh liya ki wo handle kar raha hai, to handle aap hi karte ho man mein, but aapne kisi aur ko aisa samajh ke rakha hua hai ki wo handle kar sakta hai, and you will see the pathway right in front. Hum kahin na kahin apne aap ko thoda sa niche kar dete hain aur hum sochte hain ki humse ye na ho payega, aur isliye hame wo rasta dikhta nahi. So if you can just connect this in your mind and say ki humse bhi ho payega, if somebody else can do it then I can also do it, and maybe you will start seeing the pathway. Anyways, so these are such wonderful moments and I feel all those efforts were worth it. And sochta hu ki kitne kuch ghante to tha saath mein inke, kuch mahine to tha saath mein inke. It was not a school which they were a part of for years at a stretch where the teacher is there for hours on a regular basis, kuch din kuch ghante. And they still remember, they still
are thinking of what happened to them in those years, in those days, in those hours. I think I feel blessed to be in such a position. So love you all and keep them coming. Keep your calls coming, and I would love to take your calls on what has happened in your life and what has transformed in life to make you what you have become today. So with this, let's start today's HM on this wonderful positive note. Apne chat box ko kholo aur us chat box mein type karo as to how you want your day to be today. Aaj ka din aapka kaisa jana chahiye? Give me one word and I will read in the chat box ki aap kya likh rahe ho, and so that you also get into the action mode. Likho aap chat box pe ki aap aaj ka din kaisa chahte ho. I'm reading. Inspiring, blissful, happiest, optimistic, refreshing, anandi anand, exciting, adbhut, enjoyable, satisfying, wonderful, positive, productive. Are wah, amazing, challenging. Kya tsunami aaya ekdam. Happy, satisfied. You're satisfied. Achha, theek hai, theek hai. I'll accept satisfaction. Theek hai. Great. Delicious. Okay, better than yesterday. Okay, energetic, challenging and at peace. Okay, theek hai, healthy. Wow, theek hai, great. They're still coming. Good, good. Keep them coming. Keep them coming. Okay, maine aapse pucha ki aapka din kaisa jana chahiye aur aap ek shabd mein likho. So this means you are very clear about what you want from the day. You're clear about ki aapka din sham tak aapko lagna chahiye ki yaar, this was a wonderful day. This was a delicious day. This was a positive day. This was an absolutely awesome day. This was a healthy day. Jo bhi aapne type kiya. To ye to ho gaya saab bhiku bhikari pan. This is all about the mangta pan jo hai na, mangte hain hum log. Aisa hamara din hona chahiye. Aisa hamara din hona chahiye. Ab aap second question suno mera. Second question is, for your day to go like this, what should you be like? आप कैसे होने चाहिए वो एक शब्द में टाइप करो. ये आपको दिन चाहिए इतना बढ़िया, तो आप कैसे होने चाहिए मुझे वो टाइप करके दो. इट कैन बी द सेम व्हिच यू हैव आस्क्ड और इट कैन बी डिफरेंट. सो लेट मी रीड. आप कैसे होने चाहिए? फोकस्ड एंड एनर्जेटिक, पॉजिटिव, काम, रिसेप्टिव, प्रोएक्टिव, फुलफिल्ड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हैप्पी, मस्त, पॉजिटिव, फोकस्ड, ओके, एक्टिव, वाइज. ओह, समबडी सेड वाइज आल्सो. पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्ट, रिफ्रेशिंग, काम. अरे वाह, क्या बात है. क्रिस्टेलिन. ओके, वन सेज आई शुड बी अ क्रिस्टेलिन. क्रिस्टेलिन हैज ऑल दोस क्वालिटीज, ऑल द अबव, प्रिपेयर्ड एंड फोकस्ड, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ग्रेट, एनर्जेटिक, बढ़िया, ठीक है, ओके, चलो. दिस मीन्स ये भी आपको क्लियर है कि आपने कैसा होना चाहिए फॉर योर डे टू बी द वे यू वांट इट टू बी. सो टू बेसिक थिंग्स एवरी मॉर्निंग. सुबह उठने के साथ साथ आपको ये दो सवाल पूछने हैं अपने आप को. लेट दिस बी द फर्स्ट लर्निंग फॉर यू फॉर फ्रॉम द एचएम. एवरी मॉर्निंग दीज टू क्वेश्चंस शुड कम इन योर माइंड. पहला क्वेश्चन, हाउ डू आई वांट माय डे टू बी टुडे. आज का मेरा दिन कैसा जाना चाहिए. एंड सेकंड, फॉर दिस डे टू गो ऑन लाइक दिस, for this day to be like this, what should I be like? And uska ek answer, ek shabd uska. And then throughout the day, ye question ko repeat karte. Throughout the day, you keep on reminding yourself. Throughout the day, you keep on repeating this to yourself. Ho sake to apne phone mein kahin dal lo. Har aadhe ghante pe ek reminder aa jaye. You've got to be positive. Your day has to end in a very optimistic way. Your day has to end in a very healthy way. Whatever you want it to be, ek reminder aa jaye. See, it is not that we don't know. It is that we don't remember it. हमें मालूम सब है, हमें याद ही नहीं आता. तो मेरा आपसे कहना है कि अपने आप को आप ये constantly याद दिलाओ कि मेरा दिन ऐसे जाना चाहिए और मैं दिन में ऐसा बिहेव करते रहना चाहिए. तो आप देखोगे कि शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गारंटी से, मैं कह रहा हूँ आप बहुत से सिचुएशंस में वैसा बिहेव करोगे क्योंकि आपको याद. सो विद दिस क्लैरिटी, लेट्स टेक ऑफ दिस HM विद दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ ग्रेट मेंटल masterpiece for ourselves. मैंने एक नोट लिखा था कुछ दिन पहले, that Leo Buscaglia, one of my favorite authors, वो अक्सर अपनी बुक में लिखते थे कि we are not just masterpieces, we are the masterpiece. कि उसने हमें ना चुन के, उसने हमें सोच के, उसने हमें ऐसा टाइम लगा के, उसने हमें
थोड़ा सा समय देके हमको बनाया है. एंड दैट्स व्हाई वी आर द मास्टर्स पीस. तो अगर मास्टर जो है कोई पीस बनाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी से अ मास्टर पेंटर और मास्टर आर्टिस्ट जो है वो एक अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो दैट पेंटिंग हैज टू बी वर्ल्ड क्लास. अगर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया whom we heard about a few months back, अगर वो फ्लूट बजा तो इट हैज टू बी अ मास्टरपीस फ्रॉम हिज साइड, बिकॉज उन्होंने जो है वो मास्टर हैं, जो वो करेंगे वो वर्ल्ड क्लास ही होगा, इट विल बी टॉप क्लास. सो वी टॉकिंग अबाउट द मास्टर मेकिंग अ पीस, इट हैज टू बी अ मास्टरपीस. सो अगर इस विचारधारा से हम सोचें कि हम मास्टर्स पीस हैं, सो वी गॉट टू कम आउट, वी गॉट टू कम आउट विद बिहेवियर, वी गॉट टू कम आउट विद एक्शंस विच विल जस्टिफाई वी बींग मास्टरपीसेस. उसने बनाया है मास्टरपीस, लेकिन काम कर रहे हैं ऑर्डिनरी पीसेस के माफिक नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाट द सब्जेक्ट इज फॉर टुडे, एंड आई वांट टू कनेक्ट यू टू अ वेरी सिंपल बट अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अपनी लाइफ में इंटरनली मास्टरपीस बने, और शायद जब इंटरनली मास्टरपीस बन जाएंगे तो एक्सटर्नली मास्टरपीस का काम चालू हो जाएगा. वी विल स्टार्ट क्राफ्टिंग अ वंडरफुल मास्टर पीसफुल लाइफ फॉर असेट्स. My stool is making some sound. So, I'm going to share with you a very simple, a very beautiful, but a very powerful and life-changing concept. So, ye concept ko pakadne ke liye, samajhne ke liye, let's understand the word called law. Some of you are lawyers, maybe in the forum who are listening to me right now. With due respect and to your knowledge, to your understanding, halka sa main law ko define karta hu. So I will not be defining law as per legal terms, but ek simple concept hai law ka, ki law bolta hai ki it's a kind of a rule or a kind of a policy defined by maybe a group, maybe an authority, maybe a forum, ki us group ke log, us authority ke andar jo log aate hain, us group ke andar jo log rehte hain, us society ke andar jo log rehte hain, unka behavior kaisa hona chahiye, उस बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए दे कम आउट विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बी फॉर अ स्पोर्ट्स बॉडी और अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इट कैन बी फॉर अ क्लब लाइक आई सेड, इट कैन बी फॉर एन एसोसिएशन, इट कैन बी फॉर द गवर्नमेंट, इट कैन बी फॉर अ कंट्री, इट कैन बी फॉर अ रिलीजन. तो कोई भी ग्रुप, संगठन, संस्था, वो अपने लोगों का बिहेवियर मैनेज करने के लिए, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए दे कम आउट विद सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, जिसको एक भारी वर्ड में यूज करके हम बोलते हैं, एक लीगलाइज वर्ड यूज करते हैं, तो लॉ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खेल रहे हो क्रिकेट, तो क्रिकेट में देयर आर सर्टेन रूल्स कि आपका जो विकेट है, विकेट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी, जिसको क्रीज बोलते हैं. आई एम यूजिंग द वर्ड क्रिकेट बिकॉज हम सब क्रिकेट खेलते हैं और हमें मालूम है. तो रूल है कि आपने उस लाइन के पार पैर नहीं रखना है अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं. अब अगर आपने पैर बाहर निकाला बॉलिंग करते हुए, तो यू विल बी पनिश्ड, आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी, और आपको उस पेनल्टी से समझ में आएगा कि साहब मैंने पैर लाइन के पीछे रखना, आपको समझ में आएगा कि मैंने एक सर्टन हाइट तक ही बॉल को बाउंस करना है, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा बाउंस हो गया तो फिर पेनल्टी आएगा. आपको मालूम पड़ गया कि साहब ये रूल है यहां पर कि मैं एक बॉल को डायरेक्टली किस हाइट तक मैं बॉलर के रूप में बैट्समैन को फेस फेंक सकता हूं, उसके ऊपर अगर मैंने फेंका तो फिर मुझे पेनल्टी होगी. So you have certain rules which you have to live by for you to play the game well. Same is the case with some clubs. For example, if you were to go to an army club, so they will have certain rules. They have a law that you cannot wear sneakers, you cannot wear casual trousers or jeans to go into a club. You have to have leather shoes, you have to have your trousers on to go inside an officer's mess. Same is the case with maybe, you have your सिविक रूल्स. सो कुछ कंट्रीज के अलग होते हैं. इंडिया में एक सिविक रूल है, यू थ्रो एनीवेयर एनीथिंग, राइट. यू गो टू सिंगापुर, दे हैव देयर ओन सिविक रूल्स कि आप कहाँ कचरा नहीं फेंक सकते हो, कचरा फेंकोगे कितना फाइन होगा. यू हैव ट्रैफिक रूल्स कि ट्रैफिक अगर आप गाड़ी पे आप हो तो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि भाई ग्रीन लाइट होती है तो आप जाओ, रेड लाइट होती है तो आप रुको, ऑरेंज लाइट होती है तो आप और तेजी से जाओ. सो यू विल सी दैट यू हैव योर बिजनेस रूल्स कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको 1, 2, 3 चीज करनी पड़ेगी. अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो यू हैव टू लीव सर्टेन फीट अवे फ्रॉम द रोड टू कंस्ट्रक्ट योर बिल्डिंग. यू हैव टू, यू कैन ओनली कंस्ट्रक्ट सो मेनी फ्लोर्स और यू कैन ओनली हैव सो मच ऑफ एफएसआई देयर.
तो आपको उस रूल के अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है. तो दीज आर कॉल्ड सर्टन लॉज, सर्टन रूल्स. और उसका काम क्या होता है कि हमारे बिहेवियर को, हमारे बर्ताव को, हमारे एक्शंस को गवर्न करते हैं. एंड द बिगर द अथॉरिटी, द मोर इज द पनिशमेंट, द मोर स्ट्रिंजेंट, द मोर बोलते हैं उतना सख्त लॉ होता है, उतना सख्त कानून होता है. अगर छोटा ग्रुप, अगर आप गली में खेल रहे हो क्रिकेट, तो गली में आपने क्या करा, चौक से आपने लाइन बना दी, और लाइन बना दी तो आपने कहा ये लाइन है क्रीज हमारी, और आपका छोटा ग्रुप है तो यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद दैट. आप उसको थोड़ा सा मिटा सकते हो चौक को, थोड़ा सा अपना अलग से कर सकते हो. जिसकी बैट है वो बोलेगा नहीं साहब मेरे लिए तो आगे से चालू होगा, जिसकी बॉल है वो बोलता है नहीं साहब मैं पीछे से करूंगा. जो अच्छा प्लेयर है वो अपने रूल डिक्टेट कर सकता है. यू कैन प्ले अराउंड विद दैट अगर छोटा ग्रुप है. लेकिन जैसे जैसे बड़ा 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 हो जाता है, अगर आप नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, यू कांट बाईपास. सो दीज आर कॉल्ड लॉज. आई विल कम ऑन टू दैट लेटर ऑन. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट हमारा बिहेवियर एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पीपल ऑन दिस प्लैनेट, हमारा बिहेवियर भी गवर्न होता है विद सर्टन लॉज. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉज व्हिच आई हैव जस्ट स्पोकन, बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉज. One is called natural laws and second is called man-made laws. तो मैंने आपको जितने भी examples अभी दिए, they are examples of man-made laws. ये इंसानों ने बनाए, traffic के बारे में, you know, किसी sports के बारे में, किसी business के बारे में, किसी education के बारे में, ये हमने इंसानों ने laws बनाए हुए. और इंसानों के laws जो हमने बनाए हैं, अगर आप देखो ये क्यों बनाए, because if you are in alignment with those laws, तो आप उस गेम को या आप उस सिचुएशन में अच्छी तरह से अपना समय आप बिता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन सर्टन कंट्री और उस कंट्री में अगर कुछ लॉज हैं जो आपके देश में नहीं थे, लेकिन आप वहां गए हो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, सो इट्स बेटर दैट आप उस कंट्री के लॉज के हिसाब से जिंदगी जियो. और क्योंकि अगर आपने उस लॉ के हिसाब से जिंदगी नहीं जी, द लॉ विल कैच अप. वो तो ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो लॉ विल कैच अप विद यू. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. और आपका फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपको मुश्किलात आ सकती है, बिकॉज आप उस लॉ से अलाइंड नहीं. तो बोलते ना कि यू व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. तो आप जिस देश में जाते हो वहां के लॉ से आपको अलाइन करना पड़ेगा, उन लॉज को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आप जिस स्टेट में जाते हो उस स्टेट के लॉज को आपको अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे. सो दीज आर मैन मेड लॉज. एंड मैंने देखा है कि ये जितना हम अलाइन करेंगे उतनी हमारी एनर्जी सेव होती है. And we can use that energy to focus on things which we want. We can use that energy to do things with much more focus than waste this energy in bypassing a law or in changing the law. Because man-made laws, jo hain, inke paas, inke liye aap do cheez kar sakte ho. Ya to inko badal sakte ho, ya fir inko bypass kar sakte ho. To aap traffic mein phas gaye, aapne constable aaya, to aapne bypass kiya by handling him. You can do that, but उसमें काफी एनर्जी जाएगी. आप अगर बहुत ही तंग आ गए लॉ से, तो आपने आंदोलन किया, आपने एजिटेशन किया, आपने पूरा मोर्चा निकाला और आपने कहा ये कानून बदलना चाहिए, तो वो कानून बदलता है. But that also takes a lot of energy. अगर आपको वो एनर्जी डालने की इच्छा है और ताकत है, capability है, then you go and change it. और अगर नहीं है, might as well use your energy into making your life much better than what it is. That's what my suggestion to you would be. So coming back to what I'm saying, कि हमारी life govern होती है by laws, and we have two laws. One is man-made laws, which I shared with you, and then we have natural laws. I'll come on to natural laws. अभी तो man-made laws जो मैंने बताया आपको, कि man-made laws they can be bypassed, they can be changed, and both will require energy. तो question ये आता है कि आपने energy वहाँ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी. एनर्जी आपने अपने ऊपर लगानी चाहिए या आपने उसको बाईपास करने में लगानी चाहिए. एंड लॉट ऑफ पीपल इन बिजनेस, आई सी लॉट ऑफ पीपल एनर्जी लगाते हैं, टैक्स यहाँ से बचा, टैक्स उधर से चक्कर चला. अरे इतना ही एनर्जी, इतनी ही क्रिएटिविटी, इतना ही शिद्दत, इतनी ही मेहनत अगर बिजनेस को अच्छा करने में लगा देते तो शायद बिजनेस कहां से कहां होता. लेकिन इतनी भयंकर क्रिएटिविटी निकालते हैं लोग ये लॉस को बाईपास करने के लिए, कि रेस्टोरेंट से अगर बाहर निकले शाम को, रात को खाना खा के, एंड आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, सो यू हैव योर क्रिएटिव बेस्ट कि कौन सी रोड से जाएं जहां पर पुलिस ना मिले, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट वी एंड अप यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जीज इन बायपासिंग एंड सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द लॉ. सो
choice is yours. Let's be wise ki kahan energy lagani. Now coming on to some natural laws. Natural laws bhi jo hote hain, ye do tarah ke hote hain. Now I'm coming to the main subject, so that you understand ki kahan par hum apni life ko acha kar sakte. Now natural laws are also of two types. One is called physical laws. Physical laws means jo nature ke laws hum pe act kar rahe. For example, you have the laws of physics, you have the laws of mechanics or laws of ophthalmology, laws of gravity. ये जो भी ये laws हैं, जो physical laws हैं, ये हम पे act कर रहे हैं. जैसे law of buoyancy है कि आपने tub में पानी लिया, आपने कुछ चीज डाली, तो कितना water displaced होगा? There is a law for it. ना आप नहीं कह सकते कि साहब मेरे हिसाब से ऐसा होगा. भाई जो law है वो calculate करके उतना ही निकलने वाला है. तो law of gravity says कि आप कोई भी चीज जो गिरेगी वो धरती पे नीचे आएगी. That's a law of gravity. Now with the natural laws, you cannot change them. Listen to it very carefully. कि जो natural laws हैं, जो laws of electricity हैं, laws of gravity है, ये natural law है, ये आप बदल नहीं सकते. और ना ही आप इनको bypass कर सकते. कि अगर आप, they neutral, they work on everybody. या आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं. तो लॉज ऑफ नेचर विल वर्क ऑन एवरीबॉडी एंड दे विल वर्क ऑन एवरीबॉडी 24 आवर्स. दे विल वर्क ऑन एवरीबॉडी 100%. तो अगर आप न्यूयॉर्क में हैं, या आप जापान में हैं, या आप पुणे में हैं, या आप दिल्ली में हैं, अगर आप 10th फ्लोर में हैं, तो 10th फ्लोर से जब आप नीचे गिरेंगे तो आप वैसे ही गिरेंगे जैसे न्यूयॉर्क में गिरते हैं, जैसे जापान में गिरते हैं, जैसे दिल्ली में गिरते हैं, जैसे पुणे में गिरते हैं. देयर इज नो चेंज. आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, हाँ मोटे से आपका वेट का फर्क पड़ सकता है, बट इट विल, इफ यू आर रिच यू कैन नॉट से यार लेट मी ब्राइब दिस एंड लेट मी चेंज द लॉ कि मैं थोड़ा हल्के से जरा हल्का गिरूं. मैं दिल्ली में हूं तो मैं जरा बात करता हूं कि कैन आई फॉल अ बिट लेस हार्शली देन व्हाट आई वुड फॉल इन यूरोप. तो आप कहीं पर भी हो, आप कैसे भी हो, ये लॉज आप पे वैसे ही एक्ट करेंगे. दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉज. तो नेचुरल लॉ में जो फिजिकल लॉ है ये तो एक हो गया. इसका सेकंड पार्ट आता है कॉल्ड द मेंटल लॉज. नाउ दीज मेंटल लॉज आर द लॉज व्हिच शुड गवर्न आवर बिहेवियर. ये भी नेचुरल है, ये इसको बाईपास नहीं कर सकते, इनको हम बदल नहीं सकते. सिर्फ इतना फर्क है नेचुरल फिजिकल लॉज और इसमें कि फिजिकल लॉज जो है इमीडिएट होते हैं, इमीडिएट, एंड मेंटल लॉज का इफेक्ट हम पे जो है उसके उसको बाईपास करने का, उसको ना मानने का इफेक्ट हम पे थोड़ा लॉन्ग टर्म पे आता है. फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैं नहीं मानता ग्रेविटी है और आपने फर्स्ट फ्लोर से कूद लगाई, उसका रिजल्ट इमीडिएट होगा. खड़ाक नीचे गिरोगे, दो तीन टांग वांग टूटेगी, हॉस्पिटल में जाओगे, इमीडिएट रिजल्ट, राइट. बट फॉर अ मेंटल लॉ which is also natural law, which also acts on everybody, irrespective of your age, your caste, your creed, your reputation, your position, uska asar shayad halke halke hai. And I'll give you a few mental laws, the laws of the mind. Ki agar let's say a law is there ki the law of fairness, ki aapne fairness se kaam karna hai, aapne kahin par dishonesty se kaam nahi karna hai. Ye ek agar law hai of growth, law of the mind. This means आपने अगर इसको bypass कर दिया अभी तो आपको immediate effect नहीं होगा, but इसका long term कहीं ना कहीं effect होगा, ये बात पक्की. I'll come on to the mental laws, but as of now, just want you to understand the entire concept of law. Law is nothing else but certain rules, certain basic regulations, certain policies, जिसके हिसाब से हमारा behavior governed होना चाहिए. हर organization, हर संस्था, हर एक फोरम अपने अपने लॉज निकालता है. द बिगर द फोरम द मोर स्ट्रिंजेंट द लॉज. दैट्स वन. सेकंड पार्ट इज लॉज आर मैनमेड एंड लॉज आर नेचुरल. मैनमेड लॉज डिपेंड करता है कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है. दे कैन बी चेंज्ड एंड दे कैन बी बायपास. आप उससे बच सकते हो, बचने के तरीके निकाल सकते हैं. नेचुरल लॉज हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं है, ये बदलने वाले नहीं है और इसको बायपास भी नहीं कर सकते. और नेचुरल लॉज में भी दो लॉ हैं. फिजिकल लॉ है जिसका इमीडिएट इफेक्ट होता है हम पे, और एक है जिसका इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. सो एज ऑफ नाउ हमने अभी तक ये समझा.
So before I move on, just want you to type in the chat box, अभी तक आप कहाँ हो मेरे साथ, so that आप लोग कहीं सो तो नहीं गए, जागे हुए हैं, समझ रहे हैं मेरे साथ हैं, because now we're going to start something beautiful in terms of the laws of mind. हाँ जी, let me know in your chat कि आप लोगों को अभी तक क्या पकड़ में आया. Okay, so Anand says we have laws which are man-made and natural. ठीक है, give me some insight, give me some basic insight. So, law of the jungle. there are types of law. Okay, Deepa says. ठीक है, Sagar says nature. ठीक है. Insight बताओ मुझे. Insight क्या आया? Completely agree with you. Thank you so much for agreeing with me, Deshpan, Lakshmi. Smita says natural law we can't break. Law of karma. Oh yes, Amol. Natural are physical and mental. ठीक है. Laws are physical. You cannot bypass certain natural laws. Physical and mental. ठीक है. Follow the laws. Okay. So, husbands, there are certain laws at home. Follow the law. On husbands, you cannot bypass and you cannot change the law at home. थोड़ा हंस लिया करो यार. So, great. Now, let's move on. I'll share with you at least one law today. And if we have time, then we will go on to two laws today. Simple laws. But again, I'm just going back to the very basics. Ki koi bhi law jo hai, it is all about governing our behavior. So there are certain natural laws of the mind. Aur ye laws aise hain ki ye the. For example, we talk about the law of gravity. So aisa nahi ki Newton ne law banaya. Newton ne law discover kiya. The law of gravity was there since the time this world came into existence. So Newton ne to bas uska dimag chala, usne kaha yaar ek apple jo hai ye niche kyu girta hai, upar kyu nahi jata hai. To usne dimag lagaya jo bahut se logon ne pehle dimag shayad nahi lagaya. Lekin aisa nahi ki Newton ke malum padte hi law of gravity aaya. Gravity was there. In fact gravity would say to us, hello boy, main bahut saalon se hu, hazaron saalon se, lakhon saalon se hu, tune abhi discover kiya hai mujhe. So just like Columbus came to India, Columbus did not discover India. We were there since centuries. We were there since thousands of years. Wo aaya bhai aur usne hame dekha aur usne kaha yaar I found India. To ye laws jo hain, whether it be physical laws of nature, whether it be mental laws of nature, they have been there. And I want to just add on to this to all of you ki we are blessed. Meri baat ko dhyan se sunna. We are blessed to be in a culture. We are blessed to be in this wonderful country of ours, where thousands of years ago, there were many men and women jinhone apni zindagi laga di in mental laws ko samajhne mein, discover karne mein. And all our scriptures are all about these mental laws. All the scriptures are all about those mental laws jo inhone kahin vaani nahi aayi bahar se, inhone usko samjha. So if you were to see our scriptures, so there are laws, there are rules for every basic aspect of a life. So agar aapne yuddh karna hai, you have warfare, so warfare ke kuch basic laws hain, jo hazaron saal pehle likhe gaye, ki kaise war karna hai, shankh bajega to war chalu hoga, shankh bajega to war khatam ho jayega, sandhya kaal suraj dhalega, uske baad ladai nahi hogi, aap apne soldiers ko leke ja sakte ho, hazaron saal pehle socha gaya ki vivah kaise hoga, shaadi kaise hoti hai, shaadi hoti kya hai. हजारों साल पहले यू नो आपने कौन सा क्रिया कैसे करनी है, बच्चा होता है तो उसके साथ क्या बेसिक लॉज को आपने फॉलो करना है, कोई किसी की डेथ होती है तो क्या बेसिक लॉज होते हैं, कोई भी आपने अच्छा काम किया उसके लिए क्या, बहुत सारे लॉज को स्टडी किया गया जो एग्जिस्टिंग थे. नोबडी क्रिएटेड देम, दे फाउंड कि अगर हम ऐसे जिएंगे तो उसका अच्छा असर होगा, अगर ऐसे जिएंगे तो उसका हम पे अच्छा इम्पैक्ट होगा, अगर ऐसे नहीं जिएंगे तो उसका हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. एंड all the research was all about, can we align ourselves, can we integrate these laws in our life. To jitne bhi mahapurush humse pehle ji ke gaye hain, jitne bhi ye sab jo bane hain, aap ramayan le lo, mahabharat le lo, they all have been about certain laws of mind, of the mental side, ki agar logo ne aisi zindagi ji to aisa ho. To aaj hum jo ye self help books padhte hain, aaj jitne bhi hum ye training programs karte hain, jitne bhi speakers hote hain mere ko mila ke, so we are not discovering something, we are not creating something, we maybe we are saying the same thing in a different way, that
दिस इज द वे टू बिहेव, बट ये आज ही क्रिएट नहीं हुए हैं, ये हजारों साल से मेंटल लॉज थे, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इन द सेम वे फ्रॉम द टाइम ह्यूमैनिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस देयर वर लॉज ऑफ द माइंड व्हिच वुड मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, व्हिच विल मेक पीपल मोर सक्सेसफुल. बस फर्क इतना है कि कुछ लॉज जो है उनको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, हमने डाइल्यूट कर दिया, कुछ लॉज अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, कुछ लॉज को हमने छोड़ दिया पीछे. तो लाइफ इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग कि कौन सी वो लॉज है जिसको मैं पकड़ के रखूं और उन लॉज के हिसाब से अपने बिहेवियर को कंडक्ट करूं जिससे मुझे बाहर की दुनिया में एक मास्टरपीस बनने का एक मौका मिले. एंड फॉर दैट आई हैव टू बी एन इंटरनल मास्टरपीस. I have to paint an internal masterpiece before I can have an external masterpiece. So with this clarity, I'll share with you one of the laws today. Aur time mila to I'll share with you one more law. This is one of the most beautiful laws jo mujhe connect hota hai. And this law says, this law is the law of control. Law of control. This law says, isko dhyan se suno. This law says ki hum apni life mein पॉजिटिव फील करेंगे, वी विल फील पॉजिटिव इन अवर लाइफ टू द डिग्री वी फील आवर लाइफ इज इन आवर कंट्रोल. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वी विल फील कॉन्फिडेंट और वी विल फील पॉजिटिव अबाउट आवरसेल्व्स टू द डिग्री बाय विच वी फील लाइफ इज इन आवर कंट्रोल. वी विल फील नेगेटिव, वी विल फील लो इन आवर लाइफ्स टू द डिग्री विच वी फील लाइफ इज नॉट इन आवर कंट्रोल. जितनी डिग्री तक लाइफ हमारे कंट्रोल में है उस हद तक हम पॉजिटिव फील करेंगे, और जितना डिग्री तक हमारी लाइफ कंट्रोल में नहीं है या हमें लगता है कि कोई और हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट हो, अगर वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है हम लो फील करेंगे, हम लेस कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम नेगेटिव फील करेंगे. बड़ा सिंपल सा लॉ है कॉल्ड द लॉ ऑफ कंट्रोल कि जितना लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हमारी लाइफ, उतना ही हम पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे. जितना हमें लगता है हमारी लाइफ कंट्रोल में नहीं है उतना हम नेगेटिव, उतना हम लो फील करेंगे. बड़ा सिंपल लॉ है. अच्छा, ये लॉ को आप मानो ना मानो, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ तो लॉ है. आप नहीं मानोगे तो आप अपनी जिंदगी को इसके हिसाब से नहीं जियोगे, और कहीं ना कहीं दिस लॉ विल कैच अप विद यू. और अगर आपने इसको मान लिया तो आप इस लॉ के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर सकते हो, इस लॉ के हिसाब से आप अपने आप को इंटीग्रेट, इस लॉ को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड यू विल स्टार्ट रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस लॉ. एंड द लॉ ऑफ कंट्रोल सेज, मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए, लॉ ऑफ कंट्रोल सेज योर लाइफ विल बी पॉजिटिव टू द डिग्री इन विच यू फील माई लाइफ इज इन माई कंट्रोल. जितना कंट्रोल में आपकी लाइफ होगी उतना आप पॉजिटिव फील करोगे, जितना डिग्री से आपकी लाइफ में कंट्रोल आपको लगता नहीं है उतना आप लो फील करोगे. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल कि आप बिजनेस में हो, लेट्स से यू आर इन बिजनेस एंड योर बिजनेस सक्सेस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. सो देयर आर फैक्टर्स लाइक मार्केट, कि मार्केट लो है, मार्केट थोड़ा थम गया, मार्केट में अभी जान नहीं है, थोड़ा स्लो चल रहा है, सो इट हैज एन इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस. देन यू से द कस्टमर है and the market depends on the customer's wants and demands and needs. Maybe उसका product line change हो गया है, maybe उसका भी market ठंडा पड़ा हुआ है. It depends on maybe government policies, maybe it depends on some pandemic, जैसा भी pandemic हो गया है. So आप देख रहे हो कि आपका business जो है ये आपके control पे नहीं है, because बहुत सारे factors हैं and these factors are outside your business. I'm saying agreed, आपकी business की कामयाबी जो है ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड है. बट बिफोर यू गो टू दीज फैक्टर्स, द मार्केट, द कस्टमर, द गवर्नमेंट, द पेंडेमिक या और भी सो सिचुएशंस हैं, बिफोर यू गो देयर यू हैव टू फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इन माय कंट्रोल. इन योर कंट्रोल इज द प्रोडक्ट व्हिच यू मेक, इन योर कंट्रोल इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इन योर कंट्रोल इज द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इन योर कंट्रोल इज द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, in your control is the dispatching of the product, in your control is the servicing of that of the product which you have dispatched. aapke control mein hai ki nahi? agar aapne ye sab jo aapke control mein hai agar aapne wo kar diya aur aapke paas pura control hai, yaar product waise banta jaisa main chahta hu, yaar iski packaging waise hoti jaisa main chahta hu, yaar iska dispatch jab main chahta hu tab hota hai,
अगर आपके पास ये कंट्रोल रहा, विल यू नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट? विल यू नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस? एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस, तो फिर ये बाहर का जो वेरिएबल्स हैं, जो वैसे भी अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको हैंडल करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. आई एम राइट? सिंपल कॉमन सेंस. इफ यू आर इनटू सेल्स, तो आपका सेल्स कि आज आप अकाउंट क्लोज करोगे विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स. वन इज आउटसाइड फैक्टर्स, वन इज इनसाइड फैक्टर्स. तो आउटसाइड फैक्टर्स कैन बी कि साहब वो अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा. आउटसाइड फैक्टर कैन बी कस्टमर का मूड है कि नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर का आज मूड ही नहीं है, सुबह उसकी बीवी ने उसको नाश्ता बना के नहीं दिया, गुस्सा सटका हुआ है उसका. हो सकता है कि कस्टमर का कोई चेक बाउंस हो गया है, उसने आप चेक बाउंस हो गया तो वैसे उड़ा हुआ है. ऐसा भी हो सकता है कि उसके नेबर की फैमिली का ट्रांसफर हो गया है तो नेबर्स वाइफ को मिल नहीं पा रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि साहब उसकी सेक्रेटरी की शादी हो गई है. वो उसकी लाइफ में 10 लफड़े हो सकते हैं और आप उसके पास जाके बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं और वो नहीं खरीदता. ही इज नॉट इन योर कंट्रोल. योर सेल्स आउटकम इज नेवर इन योर कंट्रोल. लेकिन एज ए सेल्स पर्सन, सेल्स प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज कितनी होनी चाहिए, यू नो कस्टमर की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, क्या मैंने कस्टमर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, क्या मैंने उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देख लिया, क्या मैंने उसका फेसबुक प्रोफाइल देख लिया, क्या मैंने उसका इंस्टा देख लिया, क्या हैव आई अंडरस्टूड हिज इंडस्ट्री, हैव आई रेड अबाउट हिम, हैव आई रेड अबाउट द प्रीवियस प्रोडक्ट्स बॉट बाय हिम, हैव आई रेड अबाउट द टर्नओवर ऑफ हिज कंपनी, हैव आई रेड एवरीथिंग पॉसिबल, हैव आई ट्रेन्ड मायसेल्फ, हैव आई एजुकेटेड मायसेल्फ, एम आई ग्रेट इन माय कम्युनिकेशन, एम आई एबल टू कनेक्ट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, क्या मैं बिल्कुल अपने कंट्रोल में हूं जो मैं कर सकता हूं? अगर हां, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू विल बी मोर पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, एंड इन दैट सिचुएशन मे बी यू विल हैव हायर चांसेस ऑफ हैंडलिंग थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. तो लॉ ऑफ कंट्रोल सेज कि जितना आप कंट्रोल में होते हो अपनी लाइफ के, उतना ही आप पॉजिटिव फील करते, और जितना आपकी लाइफ आपको लगता है आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उतना लो फील करोगे. तो इस लॉ के हिसाब से मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन अ वेरी सिंपल वे मैं आपसे कह रहा हूं, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? हमारी लाइफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो चार एरियाज में कंट्रोल कर सकते हैं. वन, थिंकिंग. लेट योर थिंकिंग बी इन योर कंट्रोल. Keep on reminding yourself, अरे ये thinking मेरी खुद की है या कहीं और से आ रही है? ये somebody making me think like this? ये मेरी thinking है? The moment you think it's my thinking, you're in control. Thinking should be in your control. Second, your emotions. यार ये emotions मेरे खुद के हैं या फिर he is making me feel or she is making me feel certain things? Sorry, your market is making me feel in a certain way. ये कौन feel करा रहा है? Is it my creation? Then I'm in control. I'm even saying, अगर तुम दुखी हो और दुखी होने का तुम ही कारण हो, तुमने कहा कि मैं आज दुखी होऊंगा, then too it's okay. This means you are in control, ना? You are saying मैंने दुख अपने लिए, मैं दुख लेके आया. So you don't blame anybody outside. You're saying it is I am control of my emotions, whether it be negative or positive. So first, be in control of your thoughts. Second, be in control of your emotions. Third, be in control of your communication. ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये टोन कहां से आया, ये शब्द कहां से आए, ये शब्द के पीछे का एक इंटेंट कहां से आया? इज इट मी और इज इट समथिंग एल्स? इज इट समबडी फ्रॉम आउटसाइड? कैन आई बी इन कंट्रोल? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल एकदम नरम वाणी बोलिए, शुद्ध आपके मुंह से फूल बरसे. इवन एंगर विच यू हैव और यू आर टॉकिंग लाउडली एंड शाउटिंग, इज इट योर कंट्रोल, इन योर कंट्रोल? इफ यस, इट्स ओके. So thoughts should be in a control, emotions should be in a control, communication should be in a control, and fourth, action should be in a control. Now, I'm saying in a very simple way, whether you live by this law or you don't live by this law, the law works for you or against you. आपके खिलाफ काम करेगा ये law या आपके फेवर में काम करेगा. आपकी लाइफ में आप उतना ही पॉजिटिव फील करोगे जितना आपको लगता है आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है. आप देखो आपके आसपास जो लोग ये बार बार बोलते रहते हैं, ही मेक्स मी मैड, इसकी वजह से मेरा सड़ जाता है, दिस गाय हैज रुइंड माय लाइफ. जितने लोग ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है. एंड यू विल सी दीज पीपल नेगेटिव, मच मोर नेगेटिव देन एनीबडी एल्स.
ये बहुत ज्यादा लोगों से या बहुत सारे लोगों के मुकाबले ये लोग ज्यादा नेगेटिव होंगे, ये लोग लेस कॉन्फिडेंट होंगे, और एक और चीज इनकी लाइफ में होगी, ये लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं। बिकॉज स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है व्हेन यू रियलाइज आपके हाथ में कुछ नहीं, व्हेन यू रियलाइज यू हेल्पलेस, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, योर लाइफ इज नॉट इन कंट्रोल। उस समय जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, इट लीड्स टू टेंशन, इट लीड्स टू एंगर, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड अगर ये बार 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 होते रहता है, इट बिकम्स क्रॉनिक, और जब वो क्रॉनिक हो जाता है, देन इट हैज फिजिकल इंप्लीकेशंस। फिर क्रॉनिक होने का मतलब है फिर उसका फिजिकल एक रिफ्लेक्शन चालू होता है, फिर यू हैव योर बीपी, यू हैव योर अदर एलिमेंट्स इन द बॉडी, यू हैव साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये फिजिकल अभी उसका चालू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस बेसिक थिंग, इज योर लाइफ इन कंट्रोल और नॉट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी सर, कंट्रोल में कैसे आएगी लाइफ। आई एम जस्ट सेइंग, कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ, ये लॉ है, ये जैसे ट्रैफिक का लॉ है कि मुझे इस स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है। एज लॉन्ग एज यू रिमाइंड योरसेल्फ, एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन रिपीटिंग टू योरसेल्फ कि मुझे इस स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है, यू विल मेंटेन योर स्पीड। एम आई राइट और नॉट? तो अब सिर्फ फर्क इतना है कि वो ट्रैफिक लॉ को रिमाइंड करने के लिए हमें ये ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स दिखते हैं, हमें पुलिस दिखती है, तो हमें वो रिमाइंड कर देती है, अरे मास्क पहन, नहीं तो अभी फाइन हो जाओगे। तो जैसी पुलिस दिखती है हमें, अरे फाइन हो रहा है, मास्क पहनो, अरे अरे वो पुलिस दिखी है, चलो सीट बेल्ट लगाओ। ये मैन मेड लॉज के लिए ऐसा उन्होंने प्रोविजन रखे हुए हैं, सो दैट दे रिमाइंड अस एंड दे फाइन अस। अंपायर को देखा तो हमने कहा यार अंपायर खड़ा हुआ, इसका चेक करेगा, पैर क्रीज के पीछे रखो। लेकिन इन मेंटल लॉज ऐसा कोई पुलिस चेक नहीं है, ऐसा कोई सर पे नहीं खड़ा हुआ है कि तुमसे कोई बार बार बोलेगा जिसको देख के तुम्हें याद आएगा, अरे यार लॉ ऑफ कंट्रोल, लॉ ऑफ कंट्रोल, ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये हमें खुद को ही चेक बिठाने पड़ेंगे, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं, यहीं पर हम अटक जाते हैं, बिकॉज कोई हमें चेक कराने वाला नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिमाइंड करो, इट्स ओके यू डोंट लर्न मेनी लॉज, बट इफ अ फ्यू लॉज इफ यू हैव विद यू एंड यू गवर्न योर एक्शंस, कि आपके एक्शंस उन लॉज में से बाहर आ रहे हैं, तो फिर आप इस नेचर में, आप इस सृष्टि में, आप इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जी के जाओगे। नहीं तो क्या होगा, जाने में अनजाने में, जाने अनजाने में आप उन लॉज से झगड़ते बैठोगे, और ये तो नेचुरल लॉज हैं, इनको बाईपास नहीं कर सकते, इनको बदल नहीं सकते। तो आप अपनी एनर्जी इनसे झगड़ने में, इनको बदलने में, इनके अगेंस्ट जाने में लगाओगे, एंड यू विल मिस आउट ऑन क्रिएटिंग अ वंडरफुल लाइफ। तो करना क्या है साथी? करना कुछ नहीं है, करना सिंपल सी बात है कि कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ द लॉ ऑफ कंट्रोल, एम आई इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। आप किसी कॉन्वर्सेशन में बैठे हुए हैं, वो कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में आ गया, वो कॉन्वर्सेशन में थोड़ा डिबेट हो गया, वो कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ? इट्स नॉट अबाउट इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर आर्ग्यूमेंट, इट्स नॉट अबाउट आर यू इन कंट्रोल ऑफ पीपल देयर। लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, लोगों को कन्विंस नहीं करना है। आपका अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल है क्या? आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है क्या? आपका अपने थॉट्स पे कंट्रोल है क्या? बस इतना आपने कर लिया तो बाकी की चिंता नहीं करो। डोंट वरी अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू थिंक और व्हाट द वर्ल्ड विल बी और व्हाट द डिस्कशन विल बी ऑल अबाउट। आर यू श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग? आर यू श्योर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग? और ऐसा भी हो सकता है कि आप अनश्योर हैं, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूमात नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, तब भी आप श्योर हो सकते हैं बाय स्टेइंग क्वाइट। श्योरिटी है कि नहीं आता, ठीक है ना, चुप रहो फिर, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। यू विल बी इन कंट्रोल कि मैंने कंट्रोल ही कहा है कि मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, इट्स ओके, इज दैट नॉट कंट्रोल? तो कहीं पर भी आप हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कुछ करो या तो कुछ ना करो। देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स जहां पर आपको लगता है कि आप कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रहते हो, एंड देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप जहां पर आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो बिकॉज समबडी इज मोर एम्पावरिंग, कोई आपसे ऊपर सर पे भावी हो जाता है, तो ठीक है, टेक अ कॉल, आई विल वॉक आउट। देयर आर सर्टेन डील्स यू कैन वॉक आउट, देयर आर सर्टेन बिजनेस डील्स यू कैन वॉक आउट, वॉकिंग आउट इज कंट्रोल। थोड़ा ना हमेशा रहना ही कंट्रोल होता है, Leaving something is also control. I'm saying, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को
कंट्रोल में महसूस कराओ जितना हो सके, एंड देन यू विल सी योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई. दैट्स वन थिंग. कुछ लोग बोलते हैं सर ये मैं अटका हूं, मैं क्या करूं. मैंने कुछ तो होगा जो तू कर सकता है. नहीं सर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अटका पड़ा हूं, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं. एक बार तो ऐसी काउंसलिंग हो रही थी, आई वॉज टेलिंग हिम अबाउट द लॉ ऑफ कंट्रोल एंड ही सेज सर मैं बिल्कुल बेबस हूं. मैंने उसको बोला एक काम कर, तेरे कंट्रोल में कुछ नहीं. सर कुछ नहीं है कंट्रोल में. मैं कहता नहा क्या, ये तो कंट्रोल में है ना तेरे, कि जाके नहा क्या आ सकता है. ही लुक्ड एट मी विद डिसबिलीफ, ये क्या बोल रहे हैं. मैंने कहा कम आउट ऑफ दिस रट कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जा नहा के आ, तेरे कंट्रोल में है. हाँ नहा क्या, फिर बात करते. एंड ही टुक अ बाथ एंड ही केम बैक एंड ही सेज हाँ सर अभी ठीक लग रहा है मुझे. मैंने कहा हाँ जो कंट्रोल में है वो कर, कंट्रोल में है चल के आना चल के आ जा, कंट्रोल में है चुप रहना चुप रह ले, बट प्लीज बिहेव आउट ऑफ कंट्रोल. And you will see the kind of confidence you will have. You will see the kind of positivity which you will create because you are in control. सबसे बड़ा कारण low feel करने का है कि मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही. अरे किसने रोका है बाबा? He has blessed you with a wonderful car. Let me give you this analogy. He has blessed you with such a wonderful car, masterpiece. बढ़िया गाड़ी आपको दी है. आपका एक ही काम है. You got to drive that car. With control, you go drive that car. You have to take charge of that car. आपका problem क्या है? You want to take charge of the other car. You want to take charge of this car. You want to take charge of that car which comes in your life. अरे बाबा, you got to take charge of only your car. कितनी speed पे, किस temperature से क्या चलानी है, किस आराम से चलानी है. You drive your car in the best possible way. That is what is expected. You control your car, and very high chances that when you drive your car with control, when you drive your car the way you should drive, very high chances other cars will start following. Other cars will be just right behind you. So leadership is not about controlling this car and that car and flana car and so many cars. Leadership is all about you driving your car the way you should drive, in such a graceful manner. That so many cars around you, they see you and they say, wow, is this the way the car has to be driven? Let's follow this car. So people who are in control of their own lives, they are the ones who will be followed by many. So please ask yourself, are my thoughts in control? Are my emotions in control? Are my communication in control? Are my actions in control? If yes, you will feel more confident, more positive. And that is why decision making, ये बड़ा अच्छा मैंने इसमें element देखा. People, I always tell people, please take decisions. छोटे हो बड़े हो, you don't know whether they you will be successful or not. But take a decision. ये stalling मत करो. बगू नंतर उदया देखेंगे. अच्छा सोचते हैं. अरे कितना सोचने का है बाबा. Take a call because जो लोग decision लेते हैं, they're saying I'm in control of my life, not the situation. I'm in control of my life. और जो लोग डिसीजंस को पोस्टपोन करते हैं, दे आर नॉट एक्टिंग आउट ऑफ कंट्रोल. सो यू डोंट हैव टू बी अ कंट्रोल फ्रीक ऑफ समबडीज लाइफ, यू हैव टू बी अ कंट्रोल फ्रीक ऑफ योर लाइफ. इफ यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल क्रिएट. यू टेक डिसीजंस, दिस मींस यू आर इन कंट्रोल. सम थिंग्स विल गो रॉन्ग, सम डिसीजंस विल नॉट हैपन द वे यू वांट देम टू हैपन. इट्स ओके यार, बट एटलीस्ट यू विल फील इन कंट्रोल. And you will see one more thing. जिन लोगों ने अपने लाइफ में प्लानिंग करी हुई है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में गोल सेट किए हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक मकसद सेट किया हुआ है, you will see that they will always have an edge on those people who have not set their life. Because you writing your goals, you writing your plans, you writing your to-do list, you writing your तुम्हें क्या पाना है, तुम्हें कैसे दिन बनाना है, is a sign of you asking to be in control of your life. And people who are in control of their lives, they will automatically have an edge. They will be more confident, more positive than other people. So this is a simple law of life. And it says, law of control. I will be in control of my life. It's as simple as that. So with this, yes, sir, tell me what have you, mujhe batao chat mein aapne abhi tak kya samjha about this simple law. अरे वाह क्या बात है दिशा लिखते है, क्या बात. रविंद्र बोलता है ट्रू. अनंत बोलता है वाव. ड्राइविंग कार विद केयर एंड सेफ रूल्स बीइंग फॉलोड नो बोथिंग अदर्स नॉट केयरिंग. ओके और बताओ क्या
let me hear you out. Where is this? Can I can't see the comments here, Vidisha. What's wrong? Anji, okay, here we have. I have the comments. Focus on building. You don't waste time on changing laws. Understood difference between laws which can bypass and which we can't. Yes, Guru. Natural laws we cannot break. Okay. Driving car with care. And Pallavi says, Smita says, if you always tell ourselves I'm not, I have emotions accordingly, we think you should drive our own car, not someone else's car. Absolutely, Anand. Apni gaadi chalani hai, not your neighbor's car. Got refreshed, really wonderful insight. Great. Our car has power steering and we must be aware of it. Yes, Raghu. Somewhere out of control. How to? अच्छा ये question आया. Sir, someone are out of control. अरे हमें क्यों control करना है किसी को? Are we responsible for those people? चलो मैं भी answer देता हूँ इसका. Control is the most important relationship with. Sir, yesterday customer was really cursing us because of slow delivery. I thought he is not understanding the COVID situation and I was losing my control. Now I know I could have handled it better. Oh yes, great, Kishore. Oh, will be the masterpiece for others if we control ourselves. Absolutely. Okay, so a question hai. How do we control somebody who's not in control? The question, you have to ask a question to yourself. Tumhe kyun khujli hai usko control karne mein? So answer would be that I'm responsible for him. Maybe the person is your son, maybe your child, maybe your team member, maybe somebody whom you're accountable for. Agar aisa hai, to usko apni life ko control karne ko sikha. Before you can control the person, pehli baat to ye concept hi against the law of nature hai. Law of nature says you cannot control and you should not control somebody else. You have to control your own self. So, किसी और को कंट्रोल करना ही नेचर के खिलाफ है, लॉ है नहीं ऐसा. तो आप वैसे भी अनलॉफुल इलीगल काम कर रहे हो एज पर द लॉज ऑफ नेचर. तो आपको सजा मिलेगी, इसकी बराबर मिलेगी. तो करना क्या है आपने, आपने अगर वो आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि ये बच्चा, ये इंसान, ये टीम मेंबर, ये मेरा रिश्ता जो है, ये अच्छा होना चाहिए, ये इंसान अच्छा बनना चाहिए. तो वो अच्छा कैसे बनेगा? कॉमन सेंस क्या बोलता है? वो अच्छा तभी बनेगा जब उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में हो. सो यू शुड टीच द पर्सन हाउ ही और शी कैन बी इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर लाइफ. आपने ये करना है. तो जब वो अपने लाइफ के कंट्रोल में आ गया तो शायद आपकी बात को समझेगा, आपकी बात को मानेगा. सेकेंड, उसको आपको फॉलो करने को लगाना है, देन यू शुड बी एब्सोल्युटली इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. देखो, आप किसी को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि मैं उसके माइंड को, उसके इमोशंस को, उसके एक्शंस को, उसके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करूंगा. ठीक है, ये बात है. लेकिन जिसका खुद के विचार कंट्रोल में नहीं है, जिसके खुद के इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, जिसके खुद के एक्शंस कंट्रोल में नहीं है, एक एक्शन, एक माइंड, एक एक, एक इंसान कंट्रोल में नहीं है और आप ऐसे 20 50 100 माइंड्स को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, असंभव, नहीं हो पाएगा. राइट, एक और का मैंने कमेंट पढ़ा कि आप जो है रिलेशनशिप को कंट्रोल में हम कर सकते ना, रिलेशनशिप भी कंट्रोल में नहीं आएगा. आप सिर्फ अपने कंट्रोल की सोचिए. डोंट वरी अबाउट योर रिलेशनशिप. इफ यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप विल बी इन कंट्रोल. इफ यू आर द वर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप, जब आपका ही कंट्रोल नहीं है तो फिर वो रिश्ता अच्छा कैसे होगा? सो यू गो इन द मोस्ट कंट्रोल्ड सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप. Why will that relationship not blossom? So please come back to the concept. The concept is that the laws work for everybody, irrespective of who you are. The law of mind, they are a bit different than the physical laws of nature, because physical laws are quick. Uska chapet, uska thappad, uska impact immediately hota hai. The laws of the mind, uska impact halka hallo hallo hota hai. तो ऐसा इसलिए कोई कंपल्शन नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है. जैसे आप अभी ऊपर से 10th फ्लोर से नीचे जंप करते हो तो आपको अगर ऐसा मालूम पड़ जाए यार कभी तो गिरूंगा, 10 साल बाद, 50 साल बाद किसने देखा, तो आप शायद अटेम्प्ट कर लोगे, कभी तो गिरेंगे. लेकिन फिजिकल लॉ में आप गिरे तो उसी समय गिरोगे. मेंटल लॉज में क्या है, इसका इंपैक्ट कब आएगा मालूम है, लेकिन आएगा. यू आर अगेंस्ट द लॉ. सो द लॉ सेज प्लीज अलाइन yourself with me. ऐसा वो लॉ बोलता है.
ग्रेविटी बोल रहा है देख मुझे तू मानेगा नहीं मानेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अलाइन कर ले अपने आप को मुझसे। इसी तरह ये लॉ ऑफ कंट्रोल बोल रहा है अगर तेरे को कॉन्फिडेंट फील करना है, अगर तेरे को पॉजिटिव फील करना है तो फिर अलाइन कर ले मुझसे, और मैं बोलता हूं कि तू उतना ही पॉजिटिव हो पाएगा जितना जिस डिग्री तक तू अपने लाइफ को कंट्रोल में रख सकता है। अगेन आई एम वार्निंग यू, इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग समबडी एल्स, इट्स कंट्रोलिंग योर एक्शंस, योर कम्युनिकेशन, योर इमोशंस, योर थॉट्स, एंड कुछ छोटे छोटे छोटी छोटी बातें करके रिमाइंड योर सेल्फ थ्रू आउट द डे, एम आई इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स, एम आई इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। 10 में से 2 बार भी आ गए, 10 में से 3 बार भी आ गए, बढ़िया बात है ना। नहीं आए 10 में से 10 बार, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 times यू विल मेक सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल। फिर 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, फिर 10 होगा। ऐसा करते करते एक दिन आप बहुत कंट्रोल में आ जाओगे अपनी लाइफ। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, एंड आई वांट टू पुश यू, एंड आई वांट यू टू वांट टू सेल यू द एंटायर कॉन्सेप्ट। प्लीज यूज लाइफ लीडरशिप ऐप, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना बढ़िया बना हुआ है, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल टू हैव लाइफ इन योर कंट्रोल। और मैं कोई ऐसा एक हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग एवरी मॉर्निंग आई राइट डाउन हाउ आई वांट माय डे टू बी, एंड आई राइट माय डे देयर। माय किड्स द सिद्धार्थ गौतम, दे आर यूजिंग इट सो ब्यूटीफुल, दे राइट हाउ दे वांट देयर डे टू बी, दे राइट डाउन व्हाट इमोशंस दे वांट टू क्रिएट, दे राइट डाउन व्हाट हैबिट्स दे वांट टू बिल्ड। इट इज सच अ वंडरफुल टूल। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐप विच हैज बीन मेड, लाइफ लीडरशिप ऐप है, उसका लिंक होगा अभी आपके चैट बॉक्स में। करो यार, ये 200-300 रुपए खर्च करो अपने ऊपर। आई विश आई कुड, अगेन आई एम सेइंग इट व्हाट आई सेड लास्ट एचएम, आई विश आई कुड गिव यू फ्री, बट नथिंग विच इज ऑफर्ड फॉर फ्री इज वैल्यूड फॉर, एंड आई एम नॉट टेकिंग दिस एचएम टू सेल द ऐप, बट आई वॉन्ट टू सेल द ऐप फॉर दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यूज एनी अदर ऐप, I'm not saying you use this app. आपको लगता है कुछ और यूज करो, लेकिन यूज करो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर जितना हो सके। तो लाइफ कभी भी बाहर की तो कंट्रोल में वैसे भी नहीं आने वाली है, कम से कम अपनी लाइफ को 70-80-90% कंट्रोल में लाओ, क्योंकि यहीं पर 100 में से 100 आने के चांसेस हैं। आपके बाहर की दुनिया में 100 में से 100 आने के चांसेस ही नहीं है। 100 में से अगर आप 30% भी ले आओ तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 100 में से 30 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात। लेकिन कम से कम खुद की गारंटी तो हो सकती है ना, इन अपनी लाइफ में कम से कम 90% मार्क्स तो लेके आओ कि 90% आप सुन रहे हो खुद की, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। सो राइट डाउन योर एंटायर एजेंडाज फॉर द डे, फॉर द वीक, फॉर द मंथ, एंड सी इफ यू कैन अलाइन, एटलीस्ट यू विल फील गुड। मैंने सुबह 10 चीज लिखी थी, अरे यार 8 चीज हो गई, यू विल फील सो मच इन कंट्रोल कि रात को आपने टिक 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 किया, अरे यार ये चीजें हो गई, वाह। You see your month and you say, यार मंथ मैंने इतनी चीज सोची थी, अरे 10 में से 5 चीज होगी, wow, you feel in control of yourself and then you will feel more positive about yourself. So this is what I had to share with all of you, this HM. I hope I'm sure it made sense to all of you. And thank you so much, everybody. And any question which you feel you have in mind in relation to what I've spoken, thank you, Aniket. You can write down your feedback for me, how it was and how you felt. And I would love to increase my blood. थोड़ा खून बढ़ेगा मेरा आपके positive vibes को सुन के देख के. Thank you, Mukund. Thank you, Anand. Thank you, Lakshmi. Thank you so much. And thank you, Prashant. So can you re-emphasize on how do we control our habits? How do we control our habits? Okay, chalo, theek hai, ek last point. This is another HM subject. How do we control our habits? See, habits are made up of what? Habit is nothing else but an external reflection of things happening inside. So when we say habit means, koi cheez jo hum log ek autopilot mode mein karte hain. For example, aap सुबह आपका वेकअप कॉल बजता है एट 5 o'clock, सो एज अ हैबिट आप हाथ से उसको ऑफ कर देते हो, उसको स्नूज में डाल, इट्स अ हैबिट। सो आपको मालूम भी नहीं पड़ता, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता कब बजा, कब स्नूज किया, कब दोबारा बजा, कब स्नूज किया। सो इट्स अ हैबिट ऑफ योर्स। कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ चीज सुनते हैं अच्छा तो पहले ही सुनने पे कहते ना नहीं 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 होगा, इट्स अ हैबिट, दे डोंट नो, दे सेइंग नो, अनजाने में मुंह से ना निकलता है। तो दिस मीन्स यू हैव गॉट अ रिफ्लेक्स, आपकी एक ऐसा हैबिट, एक पैटर्न बन गया है
कि आप ऐसा ही बिहेव करोगे. यू बिकम यू आर प्रिडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ योर एक्शंस और योर थिंकिंग और योर कम्युनिकेशन. सो वो हैबिट पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. बट लेट मी टेल यू वन सिंपल वे बाय विच यू कैन डू इट. इफ यू आर कॉन्शियस, आप अगर कॉन्शियस होते हैं कि मैं एक काम को एक एक्स वाई जेड तरीके से करूंगा. फॉर एग्जाम्पल यू से आई वॉन्ट टू डेवलप अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 5 इन द मॉर्निंग. नाउ योर हैबिट इज टू कंटिन्यू स्लीपिंग टिल 5 इन द इवनिंग. सो यू से आई वॉन्ट टू डेवलप अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप 5 इन द मॉर्निंग. सो इसका मतलब अभी आपको एक्सटर्नल कुछ करना पड़ेगा, कॉन्शियस काम करना पड़ेगा, बिकॉज सब कॉन्शियस में आपकी ये आदत बन गई है. सो व्हाट डू? यू हैव एन एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग यू टू डूइंग इट. So maybe you say, let me have a wake up call, and every 2 minutes I will have a wake up call. But I'll put 4 or 5 phones of the whole. सबके फोन ले आऊँगा, सबके फोन लगा दूँगा. 5:01, 5:03, 5:05. तो वो बज के मुझे उठने पड़ेंगे in different places of the room कि मैं उठूँगा और मैं फिर मुझे उठना ही पड़ेगा. Chances are very high कि आप उठ जाओ. और ऐसा आप ऐसा ये रिसर्च ने बोला है, अगर आप 21 दिन तक उठ कोई काम करते हो तो chances are very high. 22nd day you will develop the habit of that. Aisa research. To 21 din tak aap uthte raho, subah uthte raho, 22 din shayad automatically aap uth jaoge aur aapko dikkat nahi aayegi. It is that fight for those 21 days. In fact, it's a fight for those 10-15 days also. Uske baad aap thoda sa relax hoke aap apna uthna chalu kar doge. Same is the case with any other habit. So wo jo app hai, app ke andar kya habit builder hai ek. To wo aapko subah agar 5 baje hai to aapko wo wake up call ka subah dekha ki 5 o'clock jog time. अगर आपने कहा मुझे रात को सोने से पहले किताब पढ़नी है, इट विल रिमाइंड यू रीड अ बुक. रात को 10 o'clock पिंग करके आ जाएगी बुक रीडिंग टाइम. सो इट्स अ हैबिट बिल्डिंग रिमाइंडर फॉर यू. तो ओनली थिंग विच द ऐप कैन नॉट डू कि वो ऐप में से हाथ निकलेगा और आपको ऐसा बाल सलाएगा और बोलेगा राजा उठ जा राजा, ऐसा ऐप नहीं कर पाएगा. बाकी ऐप करेगा वो रात को 10 बजे ऐप ऐसा हाथ निकाल के तुम्हारी आंखें खुलेगा और तुम्हारे हाथ में बुक दे देगा, ऐसा नहीं करेगा ऐप. वहां वो उसकी लिमिटेशन है. मैं सोच रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी आ जाए तो बना दूं, लेकिन अभी तक तो कोई आई नहीं है. सो द ऐप विल हेल्प यू एज अ रिमाइंडर टू डू सर्टेन एक्शंस एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिल्ड अ हैबिट. दैट्स हाउ इट कैन हेल्प यू. वन लास्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट द वे वी थिंक एग्जैक्टली द वे वी आर? यस, द वे यू थिंक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. I will share with you the next HM as to what this thinking, because अभी मैंने आपसे एक law share किया है, the law of control. Now इस control को next level पे ले जाने के लिए we'll think about how the mind thinks and what we think is what we are. In fact, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती. The way you think is the way you will attract other people. अगर आप चिंदीगरी की सोच रखते हो, मेरा विश्वास करो, दिन में 2-4 चिंदीगरी के लोग तो टकराएंगे आपके से. अगर आप abundance की सोच रखते हो तो दिन में 2-4 लोग अबंडन माइंडसेट वाले आपसे टकराएंगे. ये बात बताओ. सो व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू अट्रैक्ट. ये दोनों चीज काम करते हैं. मे बी इन सम अदर एचएम वी विल टॉक अबाउट इट. सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन सच नंबर्स फॉर दिस वंडरफुल एचएम. एंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, वी विल हैव द गैलरी व्यू एंड यू कैन हैव वन ऑफ यू कैन हैव अ वीडियो ऑन टू शेयर योर इनसाइट्स. Oh, Dinesh, kya baat hai? On earth, you are the number one master person. Thank you, Dinesh. Thank you so much. Thank you. God bless you. Itna khush kar dete tum log yaar. Pankaj, thank you, Pankaj. Thank you, Akshay. Vaishali, thank you so much. God bless you. And Priya, thank you. God bless you, Priya. Shishya, thank you so much. Sagar, Jitendra. There could be a time for this awakening. Thank you, Rishi. Thank you. Prabham, I'm just missing out. Dhruv, you're changing lives for the better. Thank you, Dhruv. Thank you, Ratnali. Anand. Wow. Arey, wow, tum itna acha likhte ho yaar. Wow, that's so wonderful. Thank you so much. God bless you all. Stay. Bilkul ekdam precaution lene hai, but don't be scared. Be brave. And bravery, like I said, is a combination of you being careful and being brave. That's bravery, right? Bravery is not you being careless and brave. Brave. You are brave and you are careful. So be careful and bilkul bindaas kaam karo, dhanda karo, mehnat karo. Bilkul ruko mat apne aap ko. But be careful. Happy Raghu. Happy. Great session as always. Thank you, Swati. So Sushil wants to share. Can I? Haan, Sushil. Arre wah, Sushil.
शेयर करो. सुशील कैन यू स्टार्ट योर वीडियो. थैंक यू रेशमा. थैंक यू. यस सुशील. या नमस्ते एंड हैप्पी मॉर्निंग. सुनो पापा नमस्कार ऐसा रघु ने बोला है. Namaste, namaste. So, very, very quick sharing, and again, two things I want to share. Like always, this is one session. Like I have been telling every time I have some challenge in my life, something which is going in my life. Typically, sir ke saath telepathy ho jata hai. Sir, usi ke around session lete hai hamesha. So that's what happens. Few days back, like to share with you, there was a challenge in the family. My dad had some physical challenge, kuch operation. करने का सिचुएशन था उनका. एंड इनएडवर्टेंटली ये चीज है मैंने आज जो सर ने आपने बताया राइट फर्स्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स देन टॉकिंग देन टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस कम्युनिकेशन एंड एक्शन. आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कंप्लीटली लॉस्ट आउट. लाइक देयर वाज अ सिचुएशन जहां पे डॉक्टर सेड दैट लॉट ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी डन. इट्स गोइंग टू बी इट्स लाइक काइंड ऑफ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. And I completely kind of broke down at that point of time. But maybe ये चीजें कभी ना कभी मैंने आपसे सुनी होगी directly, indirectly. Slowly those things came back. The first thing I took, and it did not happen in a very conscious manner. But then उसी तरीके से अभी if I think back now, right? That's how it happened. The first thing I thought was take charge of my thoughts. I started to think positively. Started to think what I want rather than कैसे करना है राइट व्हाट्स एन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. देन टेकिंग केयर ऑफ माय इमोशंस राइट रादर देन फीलिंग गिल्टी अबाउट माय थिंग्स व्हाट हैड हैपेंड मूव टुवर्ड्स व्हाट आई कैन डू व्हाट आई वांट टू एंटर इनटू लाइक व्हाट शुड बी द एंड ऑब्जेक्टिव. देन टेकिंग चार्ज ऑफ माय कम्युनिकेशन स्पीकिंग टू द डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज टॉकिंग अबाउट मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिंग मोर ऑप्शंस फॉर माय सेल्फ and the entire situation and then finally taking actions right. There was a time jahan par that was like a operation karna hai ki nahi karna hai like was there to take a final decision. And then after a lot of this thing I said that okay yes I want to take the action. And thankfully the outcome went the way I wanted to the way. To ye pura jo hota na itna subconsciously ho gaya. But today if I think about it right, had I kind of known this in a much more active manner, probably mai wo helplessness wala jo momentary situation tha right, at least couple of days I was in a complete helpless situation, I would have not gone there. So yes, the learnings have to keep coming back. Thank you so much sir. This gives us a kind of a very, very clear blueprint whenever more difficult situations in my life at all I do get, and so many of you may like do get. It's a clear, very, very clear blueprint for us. Thank you. Great. Love you and God bless. All will be well. All is well. Yes, all is well. Yes. Yeah, but anybody else would like to share? And before we log off, such a wonderful thing which Sushil shared about how subconsciously certain things have gone into his mind, and how during times when you're off conscious and suddenly what is inside comes out. And happy that those learnings came out at the right time to give him the right concrete step. And yahi mushkil ke samay mein step by step agar apne paas solutions aa jate hain andar se, to us samay hum usse bahar nikalne ke liye we become capable, hum saksham ho jate hain. And that is where it is so important. Next HM, I'll share with you the entire concept of how the whole thought process is, ki thoughts bante kaise, how it builds up, and it will be a sequel to what I shared with you right now. We'll share with you another law of the mind. Chalo, anybody else, and then or we'll wind up. Chalo, thank you so much, Nand Kumar. Thank you so much. Good. You came because of Sanjay Shurvanshi. Good. God bless you. Chaliye. ओके चलो सी यू सून एंड मिलते हैं आपको. कैन वी हैव यू ऑन द वीडियो साइड. कैन आई सी यू ऑन द वीडियो इफ यू कैन इफ यू वेयरिंग क्लोथ्स ऑल ऑफ यू यू कैन शो मी योर फेसेस. लॉन्ग टाइम आई सॉ यू. गुड टू सी यू आनंद ध्रुव स्वाति अविनाश वाव क्या दाड़ी बना के अविनाश बैठे हो कस्तु स्मिता अनिता वाव वैशाली कमाल यार तुम लोग. यू ऑल आर माई सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन. आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम ऑल ऑफ यू. दीप्ति प्रदीप वाह विभोर हैंग ऑन थिंग्स विल बी ऑल राइट. अमोल गुड टू सी यू. नामदेव
कृष्णा नो वरी सरोवर बढ़ेगा आगे, ये मुश्किल के दिन निकलेंगे आगे, नो वरी सौरभ फाइटर, आई थिंक आई एम श्योर ऑल ओके एट होम नाउ. समटाइम्स इट्स गुड टू बी नेगेटिव सौरभ, सो व्हेन द रिपोर्ट्स कम आउट नेगेटिव यू ओह आई एम नेगेटिव, नेवर इन लाइफ यू वुड हैव सेड ओह आई एम नेगेटिव इन सच अ एम्फैटिक वे, यू नो. जब हमारे घर में रिपोर्ट आएगी नेगेटिव है तो इतना मजा आया, नेगेटिव एवरी ऑल माय लाइफ में चिल्ला चिल्ला के थक गया, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और यहाँ रिपोर्ट बोलती बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव. तो लक्ष्मीकांत गुड टू सी यू, दिनेश कांता जी अरे वाह वाह, चंद्रशेखर वाह दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल, चलो गुड. स्वप्निल क्या स्माइल, एकदम बड़ी स्माइल कैमरे के सामने स्वप्निल की. चलो ग्रेट ऑल ऑफ यू, चलो सैटरडे मिड टाइम मिड डे चलो काम पे लगो, और क्या अभी सब लोग यहाँ क्या करना है, लव यू ऑल गेट लॉस बोल दूँ एक बार. चलो लव यू ऑल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइव्स एंड मेक अ ग्रेट ग्रेट वीक एंड मंथ टिल वी मीट अगेन एज सून एज पॉसिबल. द नेक्स्ट एचएम विल बी देयर इन अक्टूबर, विल मीट एंड टिल द टाइम स्टे सेफ एंड वो बोलते ना स्टे हंग्री स्टे फुलिश, बट यस बी इन लव विद योर सेल्फ ऑल द मोर, बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ ऑल द मोर. लव यू ऑल.